नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 11.2 शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि कैसे एक वृत्त के आसपास आप स्पर्श रेखाएं बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको रफ वर्क में समझा देता हूं कि हमें असल में इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो बच्चों, हमें सबसे पहले एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या होगी कितनी, 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। इस बिंदु से इस वृत्त पर इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है बच्चों। असली प्रश्न ये है, एक वृत्त बनाना है, इससे 10 सेंटीमीटर एक दूर एक बिंदु लेना है, उस बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। लेकिन कैसे खींचनी है वो इतना आसान नहीं है, बस इसको आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस वृत्त की त्रिज्या यहां पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा ये है 0, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसकी एक त्रिज्या हमने बनाई। अब इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त बनाएंगे। तो ये मैंने ली है प्रकार और इसे केंद्र मानकर मैं एक वृत्त बना रहा हूं। तो इस प्रकार से ये कागज को घुमाते घुमाते हमने यह एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से इस तरफ को 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु लेना है, 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये देखिए, ये है वृत्त का केंद्र O, इस केंद्र का नाम है O, इससे 10 सेंटीमीटर दूर। तो मेरे को पास इधर को जगह नहीं है, नीचे को जगह, तो मैंने नीचे को 10 सेंटीमीटर दूर, देखिए ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 पर एक बिंदु लगाकर ये हमने एक बिंदु लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। इस बिंदु का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड पी ए बी, जो मर्जी। तो मैंने इसको पी नाम दिया है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये याद रहेगा, हमने वृत्त का केंद्र बनाया है सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो एक्स, यानी ओ एक्स वृत्त का त्रिज्या थी। फिर उससे हमने वृत्त बनाया, उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया है P, ठीक है बच्चों। आइए अब हम देखें कि इस P बिंदु से इस वृत्त पर हमें दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, वो कैसे खींचनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले OP का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। आपको याद होगा जब हमने लंब समद्विभाजक बनाया था तो कैसे बनाया था, उसके लिए हमने लंब समद्विभाजक के लिए हम P पर प्रकार का केंद्र लेंगे, आधी से ज्यादा प्रकार को लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे, इस प्रकार से इतनी ही त्रिज्या रखनी है, इसको हिलाना नहीं है। और पहले P पर रखा था, अब रखेंगे O पर, क्योंकि OP का लंब समद्विभाजक, यानी ऐसी रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांटती हो, उसको लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो अब मैंने A पर केंद्र रखा और ये जो चाप है इसी को फिर से इस प्रकार से काटा ताकि ये दोनों बिंदुओं को काटे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केल की मदद से ये दोनों चापे जहां जिन बिंदुओं पर मीट हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को मीट कर रही हैं, उनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लंब समद्विभाजक बनाने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए इसको मैंने डॉटेड बनाया है इस प्रकार से। तो ये जो है
ये यहां पर 90 डिग्री का केंद्र बनाएंगे। ये जो बिंदु आया है इसका नाम रख दो M। ये जो M है यह OP का लंब समद्विभाजक है, यानी सॉरी यह मध्य बिंदु है, ये लाइन लंब समद्विभाजक है, M जो है यह मध्य बिंदु है। अब आ गया अगला काम, ठीक है बच्चों, मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूं अभी तक हमने क्या किया है, सो दैट आपको ज्यादा मुश्किल ना लगे। देखो सबसे पहले लिखा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो हमने ये सबसे पहले एक लाइन खींची थी जो कि 6 सेंटीमीटर की है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको O को केंद्र मानकर और हमने यह वृत्त खींचा था 6 सेंटीमीटर का, ये तो आप छोटी कक्षाओं में अपनाते आए हैं। इसके बाद वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु लिया था P, ठीक है, और ये हमने लिया था 10 सेंटीमीटर दूर, OP 10 सेंटीमीटर था। उसके बाद हमने क्या किया, OP का लंब समद्विभाजक बनाया, तो आधी से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर एक नीचे और इसी उतनी ही त्रिज्या के साथ O से भी उन चापों को काटा, जिन दो बिंदुओं पर वह मिलती थी उनको फुट्टे के साथ हमने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, जिससे कि हमें यह बिंदु M प्राप्त हुआ है, यह बिंदु M हमें प्राप्त हुआ। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो मैं अलग अलग कलर्स का यूज कर रहा हूं सो देट आपको हर एक चीज अलग दिखाई दे, परंतु आपने सारी सारी चीज पेंसिल से ही करनी है। अब हमने क्या करना है बच्चों, M को केंद्र मानना है, यानी प्रकार लेनी है, प्रकार का केंद्र M को मानना है, प्रकार कितनी खोलनी है, त्रिज्या कितनी लेनी है, M से या तो O तक या P तक, ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि M इसका मध्य बिंदु हमने अभी निकाला, तो हम प्रकार को थोड़ा खोलेंगे और जितना O है इतनी हम त्रिज्या ले लेंगे और एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, ये एक और वृत्त बन गया ना, दो वृत्त बन के कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने अलग अलग कलर के वृत्त बनाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका पहले वाला वृत्त है, मेन वृत्त ये वाला है आपका, है ना, ये हमें वृत्त क्यों चाहिए अभी पता चल जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखोगे, ये जो अभी मैंने नया वृत्त बनाया है कैसे बनाया था बच्चों, एम को केंद्र माना, एम पर प्रकार की पिन रखी और त्रिज्या कितनी खोली, एम ओ या एम पी दोनों बराबर है, इतनी त्रिज्या खोली और एक वृत्त बना दिया जो कि P बिंदु को भी काटेगा और O बिंदु को भी काटेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम ध्यान से देखें, यह जो मेरा पहले वाला वृत्त था, बड़े वाला सबसे पहले जो वृत्त बनाया था, ये ऑरेंज वाला वृत्त इस पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर मिल रहा है, देखो कहां मिल रहा है, ये दोनों सर्कल्स है ना, ये दोनों सर्कल्स यहां आके मिल रहे हैं, एक बिंदु ले लो ये वाला, इसी प्रकार से ये दोनों वृत्त यहां आकर भी मिल रहे हैं, एक बिंदु ले लो ये वाला, ठीक है बच्चों, इस बिंदु का नाम लिख दो A, इस बिंदु का नाम लिख दो B। अब हम प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, किससे, P बिंदु से, P से A को मिला दो इस प्रकार और P से B को भी मिला दो इस प्रकार, तो आप देखोगे ये जो PA लाइन है यह आपके पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, इसी प्रकार से ये जो वृत्त लाइन है पी बी यह भी पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका है एक सर्कल के बाहर किसी बिंदु से उस सर्कल पर स्पर्श रेखाएं खींचने का। अब अगला काम है हमें दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां मापनी है। अब मेरा एक क्वेश्चन में आ गया, कोई बात नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन से थोड़ा नीचे ही बनाना है स्पेस रख के। तो देखिए एपी को मापिए, तो ये आई है 8 सेंटीमीटर, और बीपी को मापिए तो बीपी भी आया है 8, एक सेकेंड ये आ रहा है 8, 8 से एक ज्यादा 8.1 सेंटीमीटर, एपी भी है 8.1 और पीबी भी है 8.1, तो हम यहां लिख देंगे एपी बराबर 8.1 सेंटीमीटर और बीपी बराबर 8.1 सेंटीमीटर। तो इससे हमें यह भी पता चला कि एक वृत्त से बाहर किसी बिंदु से यदि इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं एक ही बिंदु से, तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो बच्चों देखो मैंने बड़ी मेहनत से अलग अलग कितने कलर्स यूज किए, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन है ना, और ब्लैक, इतने सारे, सो दैट आपको हर एक चीज इसमें अलग अलग दिखाई दे रही है, सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है ना,
आप आपकी मजबूरी ये होगी कि आपको सब कुछ पेंसिल से ही करना है, लेकिन करना इतनी ही सफाई से है और ध्यान से करना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि जिस भी स्टेप से आपको ना समझ आया हो, आप वीडियो को दोबारा पीछे ले जाओ और एक बार दोबारा देखो। जहां स्टेप से ना समझ आए वहां से वीडियो को दोबारा देखकर समझो। और बच्चों, इसके साथ साथ ही आपने इनके सारे स्टेप्स भी लिखने हैं। मैं एक बार आपको बता दूंगा स्टेप्स अभी बोल के, जो मैं अब बोलूंगा वो आपने ऐसे का ऐसा ही लिखना है। सो वीडियो को धीरे धीरे चला चला कर बार बार रोक रोक कर आप स्टेप्स लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। तो एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचो और ओ एक्स उस एक रेखाखंड ओ एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर खींचो। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचो जो कि ओ एक्स से गुजरता हो, पास करता हो या ओ एक्स को काटता हो। तो इससे हमारे पास ये वृत्त आ गया। अब आप इसके आगे लिखोगे, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लो और ओपी को मिलाओ। अगला स्टेप होगा, ओपी का लंब समद्विभाजक बनाओ जो ओपी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो। इससे हमें M बिंदु मिल गया। अगला स्टेप क्या लिखोगे, M को केंद्र मानकर MO के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाओ जो कि P बिंदु से भी होकर गुजरता हो। यह नया वृत्त पहले वाले वृत्त को, यह अगला स्टेप है बेटा, यह नया वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, उन्हें ए और बी लिखो। अगला स्टेप होगा, पी ए और पी बी को मिलाओ। अगला स्टेप होगा, पी ए और पी बी पहले वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सॉरी, पहला पहला काम हो गया। दूसरा काम था पी ए और पी बी को मापो, आगे उनकी आपने लंबाई लिख देनी है, एपी बराबर 8.1 सेंटीमीटर, बीपी बराबर 8.1 सेंटीमीटर। तो ये है इसके स्टेप्स। अगले प्रश्नों में मैं आपको काम समझाऊंगा, परंतु स्टेप्स उनके आप स्वयं लिखिएगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे उन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।